हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन कोर्स का जो हमारा पेपर नंबर वन है अकाउंटिंग का हंड्रेड मार्क्स का उसका आपको बताने जा रहा हूं कि किस चैप्टर किस टॉपिक में से कितनी वेटेज है कितना परसेंटेज उसमें से हंड्रेड में से आएगा ताकि आप लोग अपने पेपर में ये कंसिडर कंसिडर कर सको कि किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस या कितनी वेटेज देनी है आपको ये प्रिपरेशन करने में बड़ी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव तो चलो हमें पता ही है टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सबसे पहला जो चैप्टर है अगर आपके पास बुक है तो बुक भी सामने रख लीजिए तो उसमें पहले सी ए फाउंडेशन वाली जो बुक है आपको आई यू इंस्टीट्यूट से उसकी बात कर रहा हूँ पहला टॉपिक है बच्चों थेरेटिकल फ्रेमवर्क तो इसका सेक्शन वन है ठीक है जी जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स कंटिनजेंट एसेट्स एंड कंटिनजेंट लाइबिलिटीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग एज एन मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ये जो सेक्शन वन है ये कंसिस्ट करता है फाइव टू टेन मार्क्स मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दस मार्क परसेंट तक जा सकता है हंड्रेड मार्क्स की बात हो रही है आपको पता है ये पेपर हंड्रेड मार्क्स का तो उसमें से इसका मतलब ये दस नंबर का मैक्सिमम पेपर ये पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर दो की सेक्शन नंबर दो है बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो ये जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल सब्सिडरी बुक्स कैश बुक ठीक है बच्चों और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं हमारा है लेजर फॉर्मेट पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल सब्सिडरी बुक्स बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स प्रपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फिर उसमें हमारा ये बच्चों आ जाता है आपका आप बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट का इन्वेंट्री से रिलेटेड चैप्टर है जो डेप्रिसिएशन एंड मोटाइजेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमजरी नोट ये तो सारा सिलेबस का पार्ट है बट मुझे जो समझाना है आपको वही है कि सेकंड चैप्टर आपका ऑलमोस्ट थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट बनता है तो इसमें से अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स भी देखो तो उसमें यह पैंतीस ऑलमोस्ट वन थर्ड तो एक बी का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी आ रहा है और डेप्रिसिएशन का भी आता है तो ये क्वेश्चन वो आपको बहुत अच्छे से कमांड लानी है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए ये और सेक्शन तीन की यदि हम बात करें जो चैप्टर नंबर सेवन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल सोलपुरटर तो ये वाला जो चैप्टर है सेक्शन और इसमें अगला है जो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक्सक्लूडिंग प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशोस तो इसको इसका जो टॉपिक है वो 20 से 25 परसेंट कवर कर रहा है तो ये कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है 20 से 25 परसेंट और आपका जो सेक्शन फोर है जिसमें पार्टनरशिप और एल अकाउंट्स है वो अगेन पंद्रह से बीस परसेंट कवर कर रहा है और लास्ट में जो कंपनीज़ अकाउंट है कंपनीज़ अकाउंट में बच्चों ग्यारहवां चैप्टर जो इलेवंथ है जिसमें सारे शेयर्स डिबेंचर्स ईशू ऑफ डिबेंचर्स फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स री इशू ऑफ एंड फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स ठीक है जी रिडम्क्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिचर्स एंड सिंकिंग फंड मैथिक्स जो भी इसका है ठीक है जो सिलेबस में जो नहीं है तो वो तो नेचुरली वो सिलेबस में है, नहीं है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू फिफ्थ सेक्शन है जो वो कितना बन रहा है बच्चों पंद्रह से पच्चीस परसेंट तो अगर हम देखें इस सिलेबस को कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको जा रही है तो सबसे ज़्यादा वेटेज बच्चों जा रही है अकाउंटिंग प्रोसेस को जो आलमोस्ट थर्टी परसेंट तो ये हम वन थर्ड की बात करें तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस प्रायोरिटी के हिसाब से तो वन थर्ड तो यही कवर कर रहा है हमारा ठीक है बच्चों वन थर्ड ये कवर कर रहा है उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेक्शन नंबर कौन सा था हमारा ये सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर दो सेक्शन नंबर दो उसके बाद बात करें तो पच्चीस परसेंट तो ये बन रहा है ठीक है तो वन थर्ड मतलब यहाँ पे मैं ले लूँ इसका ये ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ये कवर कर रहा है और सेक्शन अगर उसकी देखें नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन कौन सा था हमारा सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री जैसे फाइनल अकाउंट्स है जो फाइनल अकाउंट्स में हमारा वारा वन फोर्थ बीस परसेंट तक बीस से पच्चीस परसेंट तक है ना तो वन फिफ्थ मैक्सिमम लेके चले चलें वन फोर्थ वन फिफ से वन फोर्थ वन फोर्थ तक लेके चलते हैं मैक्सिमम तो इसका भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है तो ये मैक्सिमम पच्चीस परसेंट ये बन गया तो इसका मतलब बचो हाफ पेपर तो इसी से बन जाएगा सेक्शन दो और तीन से तो इसको आपने बहुत ज़्यादा जोर लगाना है और उसके बाद बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आगे फिर हमारा इसको आ जाता है पार्टनरशिप का सेक्शन नंबर फोर तो सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर में हमारा पार्टनरशिप है ठीक है जी और सेक्शन नंबर फाइव में हमारा क्या है कंपनीज अकाउंट है तो सेक्शन नंबर फोर भी कितना है हमारा बीस परसेंट तो ये बीस परसेंट है और ये पच्चीस परसेंट है ठीक है जी तो ये हमारा बन गया वन बाई फाइव और अगेन वन बाई फोर इसको अगर टोटल में हम ना देखें तो ये फोर्टी फाइव परसेंट तो ये बन गया और उसमें हमारा जो सबसे ऊपर वाला टॉपिक था सेक्शन वन सेक्शन वन भी अगर मैं इसमें मिला लूँ तो ये हमारा थ्रेटिकल फ्रेमवर्क है जो पाँच परसेंट इसको भी मिला लो पाँच या दस परसेंट तो ये हाफ ये हो गया तो इसका मतलब ये वाले टॉपिक और ये वाला टॉपिक अगर आप कर लो तो आपका मैक्सिमम पेपर तो निकल जाएगा तो वेटेज आपको इस तरीके से तैयार करनी है सेक्शन दो अकाउंटिंग प्रोसेस सेक्शन तीन फाइनल अकाउंट्स ये करो आधा सिलेबस आधा सिलेबस आधा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट और रिमेनिंग हाफ कवर कर रहा है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पाँच परसेंट है और ये नेचुरली आपको पता है ये कंपलसरी क्वेश्चन में आने की इसकी संभावना है ये तो आता ही आता है तो इस बार मैं आपको बता दूँ आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कोई प्रॉब्लम हो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए एक बार फिर आप देख लीजिए वेटेज क्योंकि बच्चों हम तैयारी करते रहते हैं तैयारी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि तैयारी कर किस तरीके से रहे हैं हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है बिना हार्ड वर्क किए बिना प्रैक्टिस किए आप अकाउंट्स नहीं कर पाओगे ठीक है लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है हमें स्मार्ट वर्क भी करना है कि जोर कहाँ लगाना है किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे रहा है इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम बनाते वक्त हमें उस चीज़ पर फोकस करना है और ये कोई मैंने नहीं बनाया ना ही किसी और टीचर ने बनाया ना ही ये हमारे एक्सपीरियंस है ये बच्चों बोर्ड ने ही आपको दिया मतलब इंस्टीट्यूट ने ही बना के दिया है कि इस टॉपिक में से इतना आएगा तो ये तो जो पेपर लेने वाली एजेंसी है या जो इंस्टीट्यूट है वही आपको बता रहा है कि हम इसमें से इतना और इसमें से इतना डालेंगे तो वो तो हमें उस तरीके से तैयार करना ही है ठीक है ना रैंडमली कुछ भी और कितना भी पढ़े जाना उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको अगर अपने विनिंग आस्पेक्ट को कॉन्टिन्यू रखना है विनिंग एज लेना है पास करना है हर हालत में जनवरी में तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी तो थ्रेडिकल फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट फाइव तो टू टेन परसेंट अकाउंटिंग प्रोसेस थर्टी परसेंट जो कि वन थर्ड बन जाएगा सेक्शन तीन फाइनल अकाउंट्स की जो बात करेंगे वो फिर बीस से पच्चीस प्रतिशत है और कंपनीज़ अकाउंट सॉरी पार्टनरशिप अगर जो अकाउंटिंग है वो आपकी बीस परसेंट तक चली जाएगी ठीक है जी और कंपनीज़ अकाउंट पच्चीस परसेंट तक तो जो कि सम अप करके फिर यहाँ पे हम ले लेंगे ठीक है जी सेक्शन दो अकाउंटिंग प्रोसेस थर्टी परसेंट सेक्शन तीन फाइनल अकाउंट पच्चीस परसेंट ऑलमोस्ट ये हाफ बन गया ठीक है जी तो पार्टनरशिप अप्रॉक्सी होता ना ये तो कोई एग्जैक्टली exactly, ये तो मतलब रफली कैलकुलेशन ये है पर इतना मतलब कि ये तो इतना तो आएगा ही आएगा सेक्शन फोर में पार्टनरशिप है सेक्शन फाइव में कंपनीज अकाउंट है और थ्रेडिकल फ्रेमवर्क मतलब आधा पेपर इनमें से और बाकी रिमेनिंग इसमें से आ जाएगा तो मैं ये एक बार ये सारे पेजेस स्लो करके आपको दिखा देता हूँ दोबारा आपने अगर कोई पॉइंट छोड़ा है या कोई मिस किया है तो आप इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा बट मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करो और जनवरी में अपना पेपर क्लियर कर लो ताकि अगले स्टेप पे हम जा सकें ठीक है बच्चों तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ आप आई होप कि आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ लग गया है कि अब हमारी तैयारी किस तरीके से होनी है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है विशिंग यू गुड लक